ये बाबा जी की सबसे प्रार्थना है कि इसको रोक दो अभी नहीं। और ये भी कहा कि तुम लोग भी बाहर अपनी पूंजी का विस्तार मत करना, बाहर देशों में तुम्हारा नुकसान वहाँ हो जाएगा और उनका नुकसान यहाँ होगा। लेकिन उन्होंने कहा जो हमारा भारत में पूंजी निवेश में नुकसान होगा वो भारत के लोगों को देना पड़ेगा। ये आपका आप समझौता या लिखा पड़ी हुई है जमान, ये तो आप जानो। लेकिन कहा आपने यही है कि हम उसका नुकसान देंगे, लेकिन नुकसान हो जाएगा तो बताओ कौन देगा? उस बाहर की पूंजी का नुकसान होगा तो ये देगा कौन असल में? सब MLA चले जाएं, सब MP हट जाएं, तो उनमें से कोई दे देगा? ये सब इनको देना पड़ेगा। ये गरीब जो ये जमीन में अनाज पैदा करते हैं इनकी संख्या सबसे ज्यादा ये देंगे। तो ऐसा करो कम से कम सबका भला हो। क्यों नहीं किसी की बात को सुनते हो? वो तो सबकी बात, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सबकी बात, राजा रैयत की सबकी बात करते हैं, सबका भला हो भाई। तुम्हारा शासन चले और जनता ठीक रहे और कर्मचारी अधिकारी अपना काम करें, दुकानदार अपना काम करें, वो तो सबका भला चाहते हैं और सब सुखी रहेंगे तो भी सुखी, नहीं तुम घेर करके चिल्लाओगे काम को बड़े करते। बड़ी तकलीफ है क्योंकि वो तो मैं रोज सुनता हूँ, इसलिए मैं कांपता रहता हूँ। तो तुम्हें बताना तो जरूरी है, तो पहले समझ लो इस बात को बड़े ध्यान से, ठहर जाओ। क्या तुमने अपनी बुद्धि से ये नहीं सोचा कि 2 अरब की मानव मंडी है? ये भारत वर्ष की आबादी 2 अरब की है, 2 अरब की, उससे कम नहीं। ऊपरी गिनती में गिनती गिनोगे तो ऊपरी निकलेगी, नीचे नहीं। तो 2 अरब की मानव मंडी, तो ये मतलब है सब लोग चाहते हैं कि चलो भारत में चलें और वहाँ अपना सामान बेचे चल गए, तो वो आएंगे। आए तो उन्होंने क्या किया आपको मालूम है? उन्होंने यहाँ आए, देखा इस कारखाने में क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या लोहा क्या बनता है, कपड़ा क्या बनता है, ये क्या मशीनरी क्या बनती है, ये सबका नक्शा बना के ले गए वहाँ ले गए। तो उन्होंने देखा कि भाई इसका दाम हिंदुस्तान में कितना है, 400 रुपये। उन्होंने उसी चीज़ को बनाया तो बहुत सुंदर और मजबूत, और 400 रुपये उन्होंने 50 रुपये दाम रखा। नहीं मुनाफा लेंगे, नहीं लेंगे, थोड़े दिन बड़े चलाक हैं। तो उन्होंने सामान बना करके फेंक दिया इस मंडी में। तो तुमने देखा भाई ये सामान तो बहुत अच्छा है और मतलब बहुत सुंदर और बहुत मजबूत है, और कितने दाम का कह ले? 50 रुपये का। तो लोग कह लगे 2000 रुपये लेते जाओ, हमारे लिए ले आना, हमारे लिए 10 सामान ले आओ, 20 सामान ले आओ। तो मतलब इधर उधर से लेने लगे। तो ये जितना सामान आपका दुकानों पर रखा है, कारखानों का बना हुआ, ये बच्चों जब तुम्हारा सामान नहीं बिकेगा ए दुकानदारों, तो तुम उस सामान को जो कारखाने बन रहा फिर और नहीं मंगवाओगे और नहीं आएगा, क्योंकि जब ये बिकेगा नहीं तो क्यों मंगवाओगे? तो उनका वहाँ गोदाम जमा हो जाएगा, तो उनके लिए तो मजदूरी चाहिए, उन मजदूरों को, क्लर्कों, मैनेजरों को ये चाहिए। तो जब सामान नहीं उठेगा तो मजदूरी किधर से आएगी? तो कारखाने बच्चे बच्चियों स्वाभाविक बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। तो जब वो घर बैठ जाएंगे तो उनके बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है कि उनके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, कितने स्कूल हैं देश में? कभी आपने गिनती कभी सोची है? कभी आपने कभी देखा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में सारे देश के अंदर? तो ये बताइए कि घर बैठ जाएंगे तो मतलब है उन्हीं की नौकरी छूट गई, मैनेजर और मतलब क्लर्कों की और मजदूरों की। तो अभी बताइए कि आपको इन बच्चे पढ़ते हैं, इनको काम किधर मिलेगा? ये बताइए, अब ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, ये मेरे मतलब की है, इनके मतलब की नहीं है, ये तो तुम्हारे बच्चे हैं सब जो स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसा करना चाहिए कि अपने सेठ साहूकारों को हिंदुस्तान के बुला करके सामने उनसे बात करो कि हम तुमको सुविधा देंगे पूरी, और तुम ये बताओ कि कहीं से धन ले आओगे? पूछा नहीं जाएगा, हम उसकी सुविधा दे देंगे और उस पर इनकम टैक्स लगेगा नहीं, जो पीछे देते हैं उसी को देते रहो, लेकिन नया ले आओगे तो उस पर ना पूछताछ होगी और ना इनकम टैक्स ना सेल टैक्स लगेगा, और तुम 1 साल पौने 2 साल में छोटा बड़ा कारखाना लगा दो। तुमको सबको क्या करना होगा? इस देसी तमाम उद्योगपति छोटे बड़े सेठ साहूकारों को, जितने लड़के स्कूल में पढ़ते हैं
उनको काम नौकरी दे दीजिए आप। भारत की समस्या का पूरा समाधान हो जाएगा और जनशक्ति का ऐसा उपयोग होगा, भारत का जो बच्चा है, जो छात्र है, इतना वैज्ञानिक है कि अगर आप इसको सुविधा दे दीजिए तो विश्व में ऐसा विज्ञान यानी भारत में जो आपके सामने आ जाए वो विश्व में नहीं आ सकता। लेकिन आप धोखा खा रहे, इतने लोभी, इतने लालची कि मैं आपको क्या बताऊं। ये बाहर के लोग आ जाएंगे, चारों तरफ अड्डा जमा लेंगे, तो भारत का आदमी बड़ा लालची है, क्या करेंगे वो, बड़ी बड़ी पोस्ट की पोस्ट के लोगों को फौरन अपने पैसे से खरीद लेंगे, ये अपने बस में हो जाएंगे तो भारत फिर गुलाम कर देगी। तुमको ये समझ में नहीं आता है? चले आइए, चले आइए, चले आइए। खैर वो तो तुम्हारी मर्जी है, हमको तो तुमको सुझाना, संकेत दे देना भाई घटना कुछ होने जा रही है, फिर पीछे से तुम धोखा खाओगे, गड्ढे में गिर जाओगे, फिर संभाले बात संभलती नहीं है। इसलिए पहले से चेत हो, जाग जाओ, लड़ाई झगड़ा मत करो, आंदोलन हड़ताल मत करो, तोड़फोड़ मत करो, दफ्तर कारखाने मत जलाओ, दुकानें मत बंद करो। ये काम करने का अमान भी काम है और देश का अपना नुकसान है, तो आपने नुकसान किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी, तभी तो सब महंगाई हो गई। अभी तुमने महंगाई क्या देखी है? न तुमने अनाज की महंगाई, न तेल की महंगाई, न इसकी महंगाई, न कपड़ों की महंगाई, ना अपने लोहा लक्कड़ की महंगाई तो आपको आगे दिखाई देगी। तब बताओ फिर क्या होगा? अब हम मतलब की बात तुम्हारी, इसलिए हम तो दूसरी बात कहने आए थे कि भाई तुमको जरा सब बताएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जब कूड़ा कचरा भरा हुआ है तो थोड़ा बहुत तो सुझाओ, यानी कुछ को कम से कम संकेत और जानकारी तो दे दें, नहीं तो मतलब है वही भरा रह जाएगा। ऐसा नहीं, तुम्हारा देश नहीं है, ये परदेश है, यहाँ कोई नहीं रह सकता, अरे मृतलोक है, ये तो मौत का स्थान है, यहाँ कोई रह नहीं सकता। तो इसमें ये जितने आदमी रहते हैं सबको मार के तुमको कुछ मिल जाएगा? ये बताओ, इनको सबको मार दीजिए तो आपको कुछ मिलेगा? इन सब मकान खाली हो जाएंगे तो आप इसमें रहोगे, जितने कपड़े हैं सब कपड़ों को आप पहनोगे? अरे भाई तुम्हारा मनुष्य का ये काम है कि भाई सबकी हिफाजत करो। इस मनुष्य सृष्टि में जो क्षणिक उल्लास आनंद वो तो ये है कि एक दूसरे से मोहब्बत और प्रेम, एक दूसरे का काम आओ, जरूरत उसकी जरूरत को पूरा कर दो हर तरह से, बीमारी में काम, इसमें काम, उसमें काम, गरीबी में काम, खेती में काम, दफ्तर में, तब तो मतलब है आनंद है। और तुम चाहते हो हम सबको काट डालें? ए बच्चा ऐसे कुछ नहीं, ये तो महात्मा फकीरों की विद्या थी, ये तो हमेशा भारत में रहेगी। ये अध्यात्म बात को कोई मेट नहीं सकता, कोई भी आ जाए ऐसे तलवार लेके खड़ा रहे कि हम सबको काट देंगे, पेड़ पालो एक भी नहीं रहेंगे, तब भी वो कुछ नहीं कर सकता, आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए समय अच्छा नहीं, समय बहुत ही खराब है, और आप लोग सब सावधान होकर के चलो, अभी विचार करो तो अच्छा रहेगा। इसलिए आप इस जीवात्मा के लिए चलते चलाते, अब बहुत समय तो आपका निकल गया, थोड़ा रह गया, अब इसके लिए क्या है? मान लो 40 साल की उम्र है, 50 की है, तो 49 खत्म हो गए, साल भर में चले जाओगे आप, बताओ उसके लिए क्या अंजाम? जीवात्मा के लिए क्या बचत के लिए, क्या उसकी हिफाजत रक्षा के लिए आपने सामान क्या, ये तुमने खुदाई रूहों का खजाना तुमने जमा किया होता तो आज उसके काम आ जाता, तो उसमें से कुछ आपने किया नहीं, आपने तो इबादत की जिस्मानी, ख्वाहिशों की इबादत, इसलिए वो इबादत कबूल ही नहीं है, रूहानी इबादत तो आपने की नहीं, इसलिए तुमने शरीर से ये पूजा पाठ ये वो ये सब तुमने वासनाओं का किया कि हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, मकान मिल जाए, सोना ये मिल जाए, बच्चे मिल जाए, ये तमाम इसके लिए, तुमने आत्मा के लिए कुछ किया? वो तो कुछ धन जमा नहीं किया। ये बताओ आपका है ये कुछ परदेश है, सब धोखा खा जाओ, सब रोए, एक भी आदमी बगैर यानी रोए हुए कोई जा नहीं सकता, सब को रोना। इसलिए अपनी जीवात्मा को जगाओ, और जब जाग जाए और अंदर में वो नूर और वो प्रकाश, अंदर में आसमानी आवाज यानी अंदर में देववाणी जब इसको प्राप्त करे, तब देखो इसके चेहरे पर क्या है, वो खुशी का ये समुद्र टपकता है, खुशी का।
ऐसा मतलब ये तुम्हारे अंदर खजाना भरा हुआ है। अरे वो खुदा यानी खजाने का वो समुद्र है और तुम उसको दरवाजे पर